ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्हें जिमनाई का एस्ट्रोन प्लान एक्टिवेट करना है, अगर आप इन कंट्रीज से नहीं हो लाइक यूके यूएस। साथ में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि यह ऑफ़र कब तक वैलिड है, 30 जून 2025, यानी कि 30 जून के बाद यह ऑफ़र हो जाएंगे एक्सपायर। फिर आप एस्ट्रोन होने के बावजूद भी आपको ये ऑफ़र नहीं मिलेंगे, इसलिए 30 जून से पहले इस ऑफ़र को क्लेम कर लीजिए अगर आप एस्ट्रोन हो या फिर नहीं भी हो। तो आइए देखते हैं किस तरीके से आपको जिमनाई का एस्ट्रोन प्लान एक्टिवेट करना है। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया गया है एक एक चीज़, साथ में इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है तभी आप जिमनाई का एस्ट्रोन प्लान एक्टिवेट कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है बिल्कुल कुछ इस तरीके से, फिर यहाँ पर आकर अपना न्यू प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। हालांकि अगर आपके पास ओल्ड प्रोफाइल ऑलरेडी है तो आपको उसको यूज़ नहीं करना है बिल्कुल। इससे क्या होगा कि आप जिस भी कंट्री से हो उस कंट्री का कुकीज़ उस प्रोफाइल के थ्रू हो जाएंगे डिटेक्ट, देन फिर आप हो जाओगे नॉट एलिजिबल। इसलिए आपको हमेशा क्रोम में आकर न्यू प्रोफाइल रेडी करना है। उसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐड, देन आप यहाँ पर क्लिक करोगे कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट। इसके बाद आप यहाँ पर कुछ भी नेम टाइप कर दोगे, इसके बाद करेंगे डन। फिर आप यहाँ पर आने के बाद हमें यहाँ पर एक्सटेंशन ऐड करना है। यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एक्सटेंशंस, देन यहाँ पे क्लिक करेंगे मैनेज एक्सटेंशंस। तो कुछ इस तरीके से हम इस पेज में आ जाएंगे, देन आप यहाँ पे क्लिक करोगे क्रोम वेब स्टोर और आप कुछ इस तरीके से इस पेज में आ जाओगे। फिर आप यहाँ पर सर्च करोगे सेटअप वीपीएन। जैसे ही आप यहाँ पर टाइप करोगे सेटअप वीपीएन तो कुछ इस तरीके से आपके सामने यहाँ पर सेटअप वीपीएन आ जाएगा। देन आप यहाँ पे क्लिक करोगे ऐड टू क्रोम, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड एक्सटेंशन। इसके बाद आपके केस में भी कुछ इस तरीके से सेटअप वीपीएन का एक्सटेंशन ऐड हो जाएगा। देन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट, इसके बाद फिर से नेक्स्ट, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे कंटिन्यू टू वीपीएन, इसे करेंगे एग्री और यहाँ पर इसे करेंगे कन्फर्म कि मैं 18+ हूँ, देन करेंगे कंटिन्यू। इसके बाद अगर आपके केस में यहाँ पर कैप्चा मांगे तो आपको यहाँ पर कैप्चा भर देना है, जो भी ऊपर कैप्चा यहाँ पर शो होगा वही आपको कैप्चा यहाँ पर टाइप करना है, देन यहाँ पे क्लिक करेंगे कंटिन्यू। इसके बाद आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से इस पेज में आ जाओगे। यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स, फिर आपके केस में भी कुछ इस तरीके से वीपीएन हो जाएगा कनेक्ट, आप चाहो तो इसे कर सकते हो पिन। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है मैनेज एक्सटेंशंस, देन आप कुछ इस तरीके से इस पेज में आ जाओगे। फिर आप यहाँ पर क्लिक करोगे डिटेल्स, इसके बाद यहाँ पर इसे कर दोगे ऑन अलाउ इन इनकॉग्निटो। यहाँ पर आएंगे, अगर आपके केस में कुछ इस तरीके से ये नोटिफिकेशन आए तो यहाँ पर इसे कर दोगे गॉट इट। फिर अब हमें यहाँ पर अपना जीमेल आईडी लॉगिन करना है, आप इसे कुछ इस तरीके से कर दोगे रिमूव। देन यहाँ पर आकर आप चाहो तो न्यू जीमेल आईडी क्रिएट कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास ओल्ड जीमेल आईडी है चाहे किसी भी कंट्री का हो आपको यहाँ पर जीमेल आईडी साइन इन करना है। फिर यहाँ पर टाइप करोगे अपना जीमेल आईडी। जीमेल आईडी टाइप करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ पर टाइप करेंगे पासवर्ड। जो भी आपके जीमेल आईडी का पासवर्ड होगा वही आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट, इसके बाद हम यहाँ पर थ्री डॉट में क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर क्लिक करेंगे न्यू इनकॉग्निटो विंडो। फिर हम कुछ इस तरीके से इस पेज में आ जाएंगे। अब आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यह लिंक मिल जाएगा, आपको यही लिंक पेस्ट करना है या फिर आप डायरेक्ट उसी लिंक के थ्रू जा सकते हो। देन करोगे एंटर तो कुछ इस तरीके से आप इस पेज में आ जाओगे और यहाँ पर आपको अपना जीमेल आईडी दोबारा साइन करना है, जो जीमेल आईडी यहाँ पर अभी आप लॉगिन किए थे। यानी कि वीडियो में आपने जो प्रोसेस देखा, जिस प्रोसेस में मैंने अपना जो जीमेल आईडी लॉगिन किया है वही जीमेल आईडी हमें यहाँ पर फिर से लॉगिन करना है, बिकॉज हम इनकॉग्निटो विंडो में आ चुके हैं, इसी वजह से हमें जीमेल आईडी दोबारा लॉगिन करना होगा। जीमेल आईडी एंटर करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट, फिर टाइप करेंगे पासवर्ड, देन करेंगे नेक्स्ट। तो कुछ इस तरीके से आपके केस में यह पेज आ जाएगा। अब आपको अपना स्टूडेंट वेरिफिकेशन करना है। यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको अगर ये ऑफ़र ना मिले, आपके केस में यहाँ पर आ जाए यू आर नॉट एलिजिबल, तो आपको क्या करना होगा, अपना न्यू जीमेल आईडी से ट्राई करेंगे या फिर अपना न्यू जीमेल आईडी क्रिएट कर लोगे फिर आप उसे ट्राई करोगे। इसी तरीके से आपको करना है तब जाकर आपको ये ऑफ़र दिख जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपके सामने ऑफ़र्स का पूरा लिस्ट आ जाएगा, आपको कौन सा सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है,
साथ में ये कब तक वैलिड होगा, साथ में नीचे स्क्रॉल करने पर यहाँ पर दिख जाएगा कि ये ऑफ़र कब तक चलेंगे, उसके बाद हो जाएगा बंद। तो हमें अपना स्टूडेंट प्लान एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे वेरीफाई स्टूडेंट स्टेटस। फिर आप कुछ इस तरीके से इस पेज में आ जाओगे और यहाँ पर आपको अपना स्कूल ईमेल आईडी से वेरीफाई करना होगा, तभी आप इस ऑफ़र को एक्सेस कर पाएंगे। अगर आपके पास स्टूडेंट ईमेल आईडी नहीं है तो आप किसी ब्राउजर में जाकर सर्च करेंगे एड्यूमेल, तो आपको बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे, फिर आप वहाँ से एड्यूमेल उठा सकते हो। हालांकि यह प्रोसेस मैं वीडियो में नहीं दिखा सकता हूँ फॉर सम रीजंस, लेकिन आपके लिए यह वीडियो क्लिप मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगा। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, फिर आप वहाँ पर जाकर इस पार्ट को देख सकते हैं किस तरीके से आपको ईमेल आईडी से स्टूडेंट वेरीफिकेशन करना है। तो चलिए मैं अपना एड्यूमेल से वेरीफाई कर लेता हूँ। यहाँ पर टाइप करेंगे अपना एड्यूमेल, एड्यूमेल एंटर करने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे वेरीफाई, फिर आपके एड्यूमेल में ओटीपी चला जाएगा, वही ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे सबमिट, तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, यू आर एलिजिबल फॉर गूगल AI प्रो स्टूडेंट डिस्काउंट, यानी कि अब आप इसको क्लेम कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पर क्लिक करें कंटिन्यू। यहाँ पर आने के बाद आपसे कहेगा कि आप कोई पेमेंट मेथड ऐड करो, साथ में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि आपका चार्ज तभी कटेगा अगर आप 6 सितंबर 2026 से पहले इसे कैंसिल कर देते हो, तो आपका चार्ज नहीं कटेगा, यानी कि ये ऑटोमेटिक रिन्यूअल नहीं होंगे। अगर आप कैंसिल नहीं करते हो तो आपके डेबिट कार्ड से $20 पर मंथ ये चार्ज कट जाएगा, इसका मंथली सब्सक्रिप्शन जो भी होगा। इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको उस डेट से पहले कैंसिल कर देना है अगर आप इसे आगे कंटिन्यू इस्तेमाल नहीं करने वाले हो, जो भी डेट आपके केस में यहाँ पर मेंशन हो। फिर यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपके पास तीन ऑप्शन हैं, एक है कार्ड, एक है रिडीम कोड, एक है पेपल, और लास्ट में है कैश ऐप पे। हालांकि मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप पेपल या फिर कार्ड ऐड कीजिए। मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ कार्ड। फिर यहाँ पर आप कार्ड नंबर टाइप करेंगे। कार्ड नंबर टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स का यानी कि अमेरिका का कोई भी जिप कोड यानी कि उसका पिन कोड यहाँ पर टाइप कर देना है। आप पिन कोड को फाइंड करने के लिए गूगल मैप या फिर गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन यहाँ पे क्लिक करोगे सेव, तो कुछ इस तरीके से आपका कार्ड यहाँ पर हो जाएगा सेव, और यहाँ पर क्लिक करोगे सब्सक्राइब, फिर आपका प्लान यहाँ पर कुछ इस तरीके से सब्सक्राइब्ड हो जाएंगे। इसे करेंगे कट, फिर आप रिडायरेक्ट होकर कुछ इस तरीके से इस पेज में आ जाओगे और आप यहाँ पे क्लिक करोगे गो टू जिमिनी प्रो। अब आपका प्रो अकाउंट फुल्ली एक्टिवेट है, साथ में यहाँ पर प्रो मेंशन किया हुआ रहेगा। इसके बाद वीओ 3 को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर टाइप करोगे गूगल फ्लो, देन करेंगे एंटर। अगर आपके केस में यहाँ पर यह पेज आ जाए तो इसे करेंगे पहले वेरीफाई कि आप एक रोबोट नहीं हो, इसे करेंगे चेक मार्क, जो भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है आपको उसे करना है सेलेक्ट, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे वेरीफाई, तो आपको जिस तरीके से फिर इस पेज में आ जाओगे। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है फ्लो में। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करोगे क्रिएट विथ फ्लो, फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे साइन इन विथ गूगल। फिर अगर आपके केस में यहाँ पर ये पेज आ जाए तो आप इसे चेक मार्क कर सकते हो या फिर इसे छोड़ भी सकते हो। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट, फिर करेंगे नीचे स्क्रॉल कुछ इस तरीके से, देन यहाँ पे क्लिक करेंगे कंटिन्यू। अब आप यहाँ पर गूगल फ्लो को इस्तेमाल कर सकते हो, साथ में वीओ 3 जो न्यू AI वर्जन आया है जिससे आप वीडियो क्रिएट कर सकते हो वॉइस के साथ, उसको भी एक्सेस कर सकते हो यहाँ से। साथ में यहाँ पर दिख जाएगा आपका क्रेडिट कितना क्रेडिट है, 1000 AI क्रेडिट्स। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो मैनेज मेंबरशिप, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा आपका करंट प्लान कौन सा है, $19.99 मंथ। ये आपका प्लान एक्टिवेट है जिसमें आपको मिला है 2 TB का क्लाउड स्टोरेज। साथ में अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो सी ऑल बेनिफिट्स, तो यहाँ पर दिख जाएगा आपका पूरा प्लान क्या क्या आपको बेनिफिट मिला है। इसके बाद अगर आप इस प्लान को भी लेते हो तो सेम बेनिफिट्स है, 1000 मंथली AI क्रेडिट्स,
इसी तरीके से लगभग यहाँ पर एवरी प्लान का सेम AI क्रेडिट्स है, सिर्फ इसको छोड़ के सभी प्लान में आपको मिलेगा सिर्फ 1000 का AI क्रेडिट्स। हालांकि ये अगर ख़त्म हो जाए तो आप इसे बाय भी कर सकते हो एक्स्ट्रा, लेकिन आप इसी तरीके से मल्टीपल अकाउंट बना लोगे जब तक ये ऑफ़र चल रहे हैं, फिर आप इसको इस्तेमाल कर पाओगे। मैं आपको दिखाता हूँ एक वीडियो क्रिएट करके। यहाँ पर आने के बाद आप सेलेक्ट कर लोगे आप यहाँ पर कौन सा मॉडल इस्तेमाल करने वाले हो, VEO 3 हाई क्वालिटी विथ एक्सटर्नल ऑडियो, VEO 3 क्वालिटी या फिर VEO 2 फास्ट। मैं यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ VEO 3। फिर यहाँ पर आप चूज़ कर लोगे कि आपका एक बार में कितना आउटपुट आना चाहिए। आप एक कर सकते हो, दो कर सकते हो, यहाँ पर आप मैक्सिमम 4 चूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर एग्जांपली 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर कुछ जिस तरीके से ChatGPT से लिखवा लिया हूँ कि हमें कुछ इस टाइप का वीडियो चाहिए। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाएगा, टेक्स्ट टू वीडियो या फिर फ्रेम्स टू वीडियो, यानी कि फ़ोटो को ऐड करके आप उसे वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब हमारा वीडियो क्रिएट होने लगेगा। एक साथ 2 वीडियो क्रिएट होगा, हमें जो भी वीडियो पसंद आते हैं उस वीडियो को हम डाउनलोड कर लेंगे। साथ में मैंने 2 वीडियो सेलेक्ट किया था कि 2 वीडियो एक साथ क्रिएट हो, तो यहाँ पर हमारे अकाउंट से 200 AI क्रेडिट्स काट लिए गए हैं। यानी कि अगर आप वहाँ पर एक साथ 2 करते हो तो आपके अकाउंट से 200 AI क्रेडिट्स कटेंगे, अगर आप एक करते हो तो आपके अकाउंट से 100 AI क्रेडिट्स कट जाएंगे। इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। वीडियो जनरेट होने में 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा। अभी हम वीडियो को यहीं करते हैं पाउज, फिर दिखाते हैं आपको आगे का स्टेप। दोनों वीडियो हमारा सक्सेसफुली रेडी हो चुका है। पहले देखते हैं इस वीडियो को, इसे करते हैं हम प्ले। दिस विलेज इज सो पीसफुल एंड द पीपल आर इनक्रेडिबली वेलकमिंग, इट्स लाइक स्टेपिंग बैक इन टाइम। फिर अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे और आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके से 3 ऑप्शन दिया जाएगा कि आप कितना क्वालिटी में इसे डाउनलोड करना चाहते हैं। फिर आप इसे कर लोगे डाउनलोड। इसके बाद इस वीडियो को प्ले कर लेते हैं। What a beautiful morning here in the village. Everyone is so welcoming. तो कुछ इस तरीके से VEO 3 आपका रियलिस्टिक वीडियो जनरेट कर देगा। आप चाहो तो यहाँ से इसे बड़ा करके फुल स्क्रीन में भी देख सकते हो किस तरीके से यह वीडियो रेडी हुआ है। What a beautiful morning here in the village. तो आप जान चुके हैं किस तरीके से आपको Gemini का स्टूडेंट प्लान एक्टिवेट करना है, साथ में उससे आप किस तरीके से वीडियो क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके मन में अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। या फिर ये वीडियो आप 30 जून के बाद देख रहे हैं और आप इस ऑफ़र को क्लेम नहीं कर पाए हो तो आप मुझसे एक्टिवेट अकाउंट बाय कर सकते हो, या फिर आपसे अकाउंट नहीं बन रहा है तो उस केस में भी आप मुझसे एक्टिवेट अकाउंट बाय कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।